बींग ह्यूमन, हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा मिले। अगर वो नहीं हो पाता, कहीं आपके मान सम्मान में कमी होती है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं कि जिस वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अगर आप अपनी ये आदतें सुधार लें तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आप दुखी होने से भी बच जाएंगे। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना मांगे सलामत दीजिए। फ्री एडवाइस जब तक आपसे नहीं पूछा गया है, तब तक आप बिल्कुल भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करिए। बी अ गुड लिसनर, चुपचाप सुनिए, बिना मांगे कभी भी सलाह मत दीजिए, नहीं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिना मांगे सलाह देने से आपकी बात का वेटेज कम होगा और आपकी वैल्यू कम होगी। लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देंगे, आपकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, तो इस चीज़ से बचना है। इसके साथ ही साथ बिना कारण झूठ बोलने से भी बचिए। कई लोग ऐसे मजे मजे में झूठ बोल देते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही वो चीज़ रिवील हो जाती है ना, पता चल जाता है ना सामने वाले को कि आपको झूठ बोलने की आदत है, तो कभी भी जिंदगी में लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिना कारण झूठ मत बोलिए। जब तक अगर किसी की जान नहीं जा रही हो या कोई ऐसा आपके मतलब झूठ बोलने से कोई बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा हो, लाइक तब अलग बात है। बाकी बिल्कुल बचिए इस बुरी आदत से कि बिना कारण झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से भी आपके मान सम्मान में कमी आती है और आप दुखी रहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट को नहीं करते। इसके अलावा उधार खरीदना और उधार बेचना, अगर आप उधार सामान खरीद लेते हैं और उधार में बेच देते हैं, तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। उधार खरीदने से क्या हुआ, उधार में खरीद लिया और उधार में बेच दिया। जब जिससे आपने खरीदा है वो आपसे पैसे मांग रहा है, पर आपने जिसको बेचा है उसने आपको पैसे दिए ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, परेशान होकर कर्जा ले लेंगे। कर्जा लेना एक मर्ज के बराबर होता है। कर्जा देखिए बहुत बड़ी एक तकलीफ रोग होता है। रोग से तो फिर भी आदमी की जान बच जाती है, एक बीमारी जो है वो भी जान लेके चली जाती है, लेकिन जो कर्जा है उसका बोझ उतारना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो देखिए, ना तो उधार में खरीदिए और ना ही उधार में बेचिए। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, नगद खरीदिए और नगद ही बेचिए। इसके साथ साथ ही किसी का विश्वास ना करना। सारी दुनिया तो बेईमान नहीं है ना, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, रिलाई करना और एक दूसरों पर भरोसा रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेन देन का बराबर हिसाब ना रखना, ये एक दूसरी समस्या है, क्योंकि अगर आप लेन देन का हिसाब नहीं रखेंगे ना, क्या दिया क्या लिया, तो बाद में आपको काफ़ी दिनों बाद वो चीज़ याद नहीं रहेगी और आप फिर दूसरी परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर इस बात को लेकर दुखी रहेंगे, सामने वाले को बोलेंगे अनशन कि भाई तुमने ये कर दिया, क्या कन्फ्यूजन में कुछ गलत बातें आपके मुंह से निकलेंगी। ये चीज़ और है जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में ही बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। इसके साथ साथ ही हमेशा केवल स्वयं के बारे में, केवल अपने बारे में सोचना, मेरा ये अच्छा, मेरा वो अच्छा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और दूसरों के बारे में, दूसरों के हित के बारे में, भले उनको आपकी किसी एक्ट से नुकसान भी हो रहा है अगर बाय द वे, तो आपके लिए कोई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक बुरी आदत है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए दूसरों के हित की चिंता भी साथ में कर रखिए। अगर अच्छा करेंगे ना कई बार तो अच्छा होगा, कर्मों के हिसाब भी होते हैं। जो सेल्फिश सोच होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कारण होती है आपके दुखी रहने का और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी का। जब आप केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं ना, तो देखिए इंसानियत नहीं है, आपने मानव जीवन लिया है, तो आपको परहित के बारे में भी सोचना चाहिए साथ में। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि आप भूतकाल के सुख को याद रखते हैं। पहले ये हुआ था, अरे पहले मैं कितनी खुश थी ना यार, तो अभी आज क्या हो गया यार, आज भी आप खुश हो। प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, हमेशा वर्तमान का आनंद लीजिए, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ना तो भविष्य की चिंता करने से आज आपको कुछ मिलने वाला है और ना ही भूतकाल के सुख को याद करने से कुछ मिलने वाला है। बेटर ये है एंजॉय द प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है ना उसको एंजॉय करिए। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, देरी से उठना और देरी से सोना। रात को आप आराम से वेब सीरीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे भी जाग रहे हैं साथ में, और आप रात को देर से सोते हैं और सुबह वापस देरी से उठते हैं, उससे पूरे दिन का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या होता है, पूरे दिन डिस्टर्ब रहते हैं, कोई काम जो होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं। दुखी होने से कामकाज नहीं हो पाते ठीक से, फिर आपकी ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी जो है वो घटती है। केवल खुद की बात को ही सच मानना, केवल अपनी ही बात पर अड़े रहना, दूसरों की बात पर ध्यान मत देना, तो लोग आप ऐसे में आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, फूल समझते हैं, एंड इट्स दे फील लाइक कि लाइक दे शुड नॉट मेस विद द फूल। क्योंकि देखिए आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, अपनी बात को ही सत्य मानेंगे, अपनी बात को ही सच मान के उसी के बारे में बात करेंगे, बहस करते रहेंगे लोगों से, तो लोग क्या सोचेंगे यार फिजूल है इससे बात करना। क्योंकि ये चीज़ भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट आ जाता है कि जिसको आपको आज से और अभी से ही छोड़ देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आलस की आदत, कोई भी काम को टाइम से मत करना, कल कर लेंगे कोई बात नहीं ना यार, आज तो बैठे हैं ना अभी टीवी देख रहे हैं ना, बाद में कर लेंगे।
काम को समय पर ना करना, टालने की आदत, काम को आगे से आगे टालने की जी जो आदत होती है आपकी, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है आपके दुखी रहने से और के मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आने से। सपोज करिए किसी ने आपको बोला एक काम कल तक हो जाएगा, आपने कमिट कर दिया, लेकिन आपने उसको डाल दिया कल करने पर, कल आपके कोई और गेस्ट आ गए, कोई और वजह होगी जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आपकी जुबान जाएगी ना। अभी जो मैंने आपको दुखी रहने के, दुखी होने के जो 10 कारण बताए हैं, अगर आप इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इन आदतों को सुधार लेंगे, तो यकीनन समाज में आपकी इज्जत होगी। इसी उम्मीद के साथ बताइएगा आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा इन्हीं सभी पॉइंट्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी इस प्यारी सी बींग अ वुमेन फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन, नमस्कार।